दुनिया भर में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के चलते बड़े पैमाने पर रोजगार पर संकट को लेकर आगाह किया जाता रहता है। वहीं अब संसद में पेश किए गए आर्थिक सर्वे में भी एआई के असर को लेकर चिंता जाहिर की गई है। वित्त मंत्रालय के आर्थिक मामलों के विभाग ने जो आर्थिक सर्वे तैयार किया है उसे वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने संसद में पेश किया है। सर्वे में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के आविष्कार के बाद उसे सभी प्रकार के वर्क्स पर पड़ने वाले असर को लेकर चिंता जाहिर की है। सर्वे में साफ तौर पर कहा गया है कि आने वाले वर्षों और दशकों में भारत की उच्च विकास दर की राह में एआई सबसे बड़ा बाधा बनेगा। सर्वे में सुझाव दिया गया है कि इसे निपटने के लिए भारत सरकार, राज्य सरकार और प्राइवेट सेक्टर्स को समझदारी के साथ इसके लिए काम करना होगा। वहीं एक रिसर्च आर्टिकल के हवाले से बता दें कि अगले एक दशक भारत में एआई की गतिविधि बढ़ सकती है। टेलीकम्युनिकेशन और इंटरनेट बूम के चलते बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग को बढ़ावा मिला था, लेकिन टेक्नोलॉजी लेवल पर अगले दौर का जो बदलाव आ रहा है उस पर रोक लग सकता है। आर्थिक सर्वे के मुताबिक इस सब में कॉर्पोरेट सेक्टर की समाज के प्रति बड़ी जिम्मेदारी है। उसे सोचना होगा कि किस प्रकार आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लेकर कदम उठाए जाएं। वहीं प्राइवेट सेक्टर्स को इस पर भी ध्यान देना होगा कि कैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस लेबर को बढ़ावा दिया जाए, ना कि इससे इसका खात्मा हो। सर्वे के मुताबिक आईटी सेक्टर में पिछले दो वर्षों में हायरिंग में कमी आई है। वहीं आर्थिक सर्वे से ये भी पता चला है आर्टिफिशियल इंजीनियर्स कम या मध्यम आय वाले देशों की अर्थव्यवस्था की आखिरी जरूरत है। सर्वे ने इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के नोट के हवाले से ये भी कहा है कि आईएमएफ के नोट के मुताबिक जनरेटिव आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के चलते रोजगार के संकट के साथ साथ असमानता का खतरा भी पैदा हुआ है। वहीं सर्वे में ये भी लिखा गया है कि रोजगार केवल इनकम लाने से ही नहीं जुड़ा है, बल्कि परिवार और समुदाय के बीच गरिमा, आत्म मूल्य और साथ ही आत्म सम्मान से भी जुड़ा है। इसलिए ज्यादा मुनाफे की लालच में तैर रही भारतीय कॉर्पोरेट सेक्टर के लिए ये जरूरी है कि वो नौकरियां पैदा करने में ज्यादा ध्यान दे। वहीं आपको बता दें, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तकनीक और साथ ही एआई टूल्स के आने से लोगों का काम बहुत आसान हो चुका है, तो वही नहीं कई नौकरियों के लिए ये खतरा भी बन चुका है। इस बीच अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का एक विश्लेषण दुनिया के करोड़ों नौकरी पेशा लोगों को परेशान कर सकता है। वहीं एक मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार आईएमएफ के एनालिसिस में कहा गया है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और एआई टूल के चलते दुनिया भर में लगभग 40% नौकरियां प्रभावित होंगी। इंजीनियरिंग मार्केट और कम आय वाले देशों की तुलना में उन्नत अर्थशास्त्र वाले देशों को ज्यादा जोखिम का सामना करना होगा। आर्टिफिशियल इंजीनियर्स तकनीक के चलते जॉब सेक्टर में आय से जुड़ी असमानता बढ़ेगी, लेकिन ये इस बात पर निर्भर करता है कि कैसे इस टेक्नोलॉजी को यूज किया जाएगा। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर। खबरों की ताज़ा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।